भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्ष आज पार्टी दफ्तर में पदभार ग्रहण करेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी दफ्तर में ही प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक होगी, जिसे वीडी शर्मा और सीएम शिवराज संबोधित करेंगे। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद ये पहली बैठक होगी। इस दौरान निकाय चुनाव, किसान आंदोलन के साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। तैयारियों का जायजा लिया अनादि टीवी के विशेष संवाददाता अंकर अद्वैय ने। 3 दिन पूर्व टीम बीडी का ऐलान कर दिया गया है और आज टीम बीडी के जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष हैं, उनका पदभार ग्रहण समारोह होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यालय में को दुल्हन की तरह सजाया गया, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, विष्णु दत्त शर्मा, शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा सा ये होल्डिंग लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो दरवाजा है, मुख्य द्वार है, इसको भी काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। एक छोटा मंच यहाँ पर ये बनाया गया है। इस मंच पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा नए पदाधिकारियों का यहाँ पर स्वागत वंदन करेंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने एक बड़ा सा मंच बना हुआ है। इस मंच पर तमाम जो पदाधिकारी हैं, नए जो पदाधिकारी हैं, मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, वह यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। निश्चित तौर पर आज दिन भर ये कार्यक्रम चलने वाला है। 10:30 से 11 बजे के बीच में कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 3:30 बजे पदाधिकारियों की एक बैठक होगी। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, राम मंदिर धन संग्रहण को लेकर चर्चा हो सकती है। कई जवाबदारियां पदाधिकारियों को दी जा सकती है। इसी को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी कार्यालय में अभी से कर ली गई है। सुरक्षा की बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अद्वर्यू।